बिहार में आज लगातार हलचल है फ्लोर टेस्ट को लेकर, लेकिन यहां पर नीतीश कुमार उसमें पास होते हुए नजर आए। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर वार करते हुए कहा कि नीतीश कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, जिस पर नीतीश कुमार ने पलटवार किया। गारंटी तो बहुत मजबूत वाला गारंटी है ए मोदी जी के, गारंटी वालों क्या मोदी जी गारंटी लेंगे फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे, जरा बता के दिखा दो, बताइए मोदी जी के गारंटी वालों, बताओ बताइए पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे मोदी जी का गारंटी। खैर हमको इसकी चिंता नहीं है, हमको पता चला कि जैसे कांग्रेस पार्टी भी इनकी पार्टी इधर से उधर कर रही है उसको डर लग रहा था। हम बार बार कह रहे थे कि बाकी पार्टियों को एकजुट करिए तो उसको उनको हमसे तकलीफ था। हमको पता चला कि इनके पिताजी भी उधरे साथ थे, तब हमको पता चल गया कि ये कुछ होने वाला नहीं है, और फिर हम अपने पुरानी जगह पर आ गए जहां से हम बहुत पहले से, और अब हम पुरानी जगह पर आ गए हैं, अब सब दिन के लिए हम आ गए हैं, अब चिंता मत करो। लेकिन हम किसी को हम नुकसान नहीं करेंगे, हम आपके सबके हित में काम करेंगे। और हमारे सहयोगी चंद्रमोहन ज्यादा जानकारी के साथ एक बार फिर से। चंद्रमोहन, आज तेजस्वी यादव उनका और उनके कुनबे का सियासी जो तेज था वो पूरी तरह से गुल नजर आया, बुझा नजर आया, सारा तेज जो था वो नीतीश खेमे में चला गया। पूरी सियासी तस्वीर हम चाहेंगे संक्षेप में आपसे, आज की जो है वो बिहार की सियासत के लहजे से कितना अहम दिन। बिल्कुल, देखिए आज जो कुछ भी सदन में हुआ है और जिस तरह से नीतीश कुमार ने 129 मत हासिल किए हैं विश्वास मत में, वो साफ तौर पर दिखा रहा है कि एक बड़ा तस्वीर सामने आया है। तेजस्वी यादव इससे पहले यह कहते रहे हैं कि खेला होना बाकी है और 12 तारीख को असली खेला होगा, लेकिन उन्हीं के पार्टी में खेला हो गया, तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि तेजस्वी यादव यही वजह है कि थोड़ा बुझे जरूर दिख रहे थे। और यहाँ पर जो तमाम विधायक हैं वो अभी निकले हुए हैं, एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, और साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि ये जो विधायक निकले हैं अभी, ये सत्ता पक्ष के विधायक हैं, जाहिर सी बात है इनके चेहरे पर खुशी है। विनय जी, नीतीश कुमार एक तरफ 129 और दूसरी तरफ खाली रह गया कुर्सी, क्या वजह है? 130 और विधानसभा सदन के जो पटल पर बैठे हुए थे अध्यक्ष की कुर्सी पर, उनकी तो काउंटिंग नहीं होगी, तो आज किस तरह से इसको देखते हैं आप? ये तो होना ही था, ये तो ये एक सप्ताह से 10 दिन से राजद वाले अनैतिक काम करने का प्रयास कर रहे थे, जिसके तहत में उन्होंने सब कहते खुलेआम हो कहते थे कि खेला होगा तो खेला हो गया। भाई आप अनैतिक करने के लिए चलिएगा, आप कीजिएगा तो कहावत है रास लीजा, और दूसरा कीजिएगा तो वही बात है। तो मतलब खेला आप ही लोग कर दिए, हम लोग किए, सब आ गया, आप करते करते आप ही का खेला हो गया। संजय जी, तेजस्वी यादव ये कहते रहे हमेशा कि खेला होना बाकी है, 12 को खेला होगा, लेकिन खेला तो कुछ और हो गया, उन्हीं के पार्टी में खेला हो गया। देखिए तो यही तो उनको समझना पड़ेगा कि वो अभी राजनीति के की ककहरा पढ़ रहे हैं, ये खेला होबे पूरे बिहार की जनता को उन्होंने एक संशय में डाल के रखा कि क्या खेला होबे। उन्होंने जिस प्रकार से विधायकों को प्रलोभन दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उसकी जाँच कराएंगे, आज प्रलोभन देने वाले लोगों की जाँच होगी, और निश्चित मानिए खेला तो हो गया, उनकी पार्टी टूट गई, यही किया खेला बिहार की धरती पर हुआ है। फरोख्त का कोशिश किया जा रहा है, बिल्कुल प्रयास किया, मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा है कि इस प्रकार का प्रयास हुआ है, भ्रष्टाचार किया जा रहा था, भ्रष्टाचार के पैसे से लोगों को खरीदने का प्रयास किया जा रहा था, ये तो मुख्यमंत्री जी ने कहा है, इसलिए आश्वस्त रहिए खेला हो गया, बिहार में RJD टूट गई। अब तो लालू परिवार की और मुश्किलें बढ़ेंगी अगर जांच होगी तो। ये तो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दिया है कि मैं जांच कराऊंगा कि ये पैसा का लेन देन कर रहे थे, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा, तो उस पर तेजस्वी जी एक बार भी प्रतिकार नहीं किए, जब मैंने एक बार उनसे कहा था कि 9वां फेल, तो उठ करके प्रतिकार किए थे, आप लोगों को याद होगा, लेकिन आज इतना बड़ा आरोप मुख्यमंत्री जी लगा दिए, लेकिन उन्होंने एक बार प्रतिकार नहीं किया, इसी से आप समझ सकते हैं कि बात में दाल में कुछ काला तो जरूर है। तो दाल में काला होने की बात हो रही है, और यही वजह है
कि जब नीतीश कुमार ने सदन के अंदर ये कहा कि इस पूरे मामले की जांच होगी, तो ऐसे में जो तमाम यहां पर विधायक उनके मौजूद थे उन लोगों ने किसी तरह का रिप्लाई नहीं किया, जिसको लेकर सवाल तो खड़े होंगे ही होंगे। नीतीश कुमार ने ये कहा है सदन के अंदर में कि खरीद फरोख्त करने की कोशिश की जा रही थी, क्या इसकी जांच की जो बात नीतीश कुमार ने की है वो जांच होगी? निश्चित रूप से जांच होगी। आपके पास हम वापस लौटेंगे। देखिए आरजेडी की ओर से लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, लेकिन इस बीच तेजस्वी यादव ने दावा किया कि उन्होंने बिहार में वो काम किया जैसा किसी देश में नहीं हुआ। नीतीश कुमार ने विधानसभा में तेजस्वी को जवाब दिया। आप असंभव बोलते थे, आप मेरे पिताजी को बाप का पैसा ला करके दिलाएगा, लेकिन ये 17 महीने में कहां से एक विभाग में एक दिन में 70 दिनों के अंदर 2 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरी कैसे मिला? इच्छा शक्ति होनी चाहिए, विल पावर होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी जो थके हुए मुख्यमंत्री थे उनको हमने दोहराने का काम किया। पूरी पार्टी ने एक साथ दिया, उसको स्वीकार किया और कितना आगे बढ़े और फिर 10 में जो किया, तो जो कुछ भी हमने तय किया इन लोगों ने तय किया कि यही रहेगा, लेकिन 25 जब हम 15 में 7 निश्चय की बात हमने की तो आप लोग भी आए, तो कोई इधर उधर किया? 7 निश्चय मेरी आइडिया थी, किसी और का नहीं था। और जब मेरे साथ आ रहे थे तो स्वीकार किए और पहले गड़बड़ नहीं किए, और कुछ दिन के बाद हम देख रहे थे कि काम ठीक नहीं कर रहे हैं ये लोग, तब हमने फिर वापस इन लोगों का साथ, और उसके बाद फिर 2020 में जब हमने 7 निश्चय 2 तय किया तो इन लोगों ने पूरा का पूरा साथ दिया और एक साथ उसको भी किया। और जब आप लोग आए तो 7 निश्चय 2 का काम हो रहा था, तभी क्लेम कर रहे हैं कि आप ही किए हैं। देखिए आज जो शक्ति प्रदर्शन का पूरा दिन रहा उसने ये तो साबित कर दिया कि किस तरह से एनडीए की ताकत यहां पर अब भी वही है जो पहले थी, इसलिए आरजेडी के चेहरे मुरझा रहे। हमारे सहयोगी चंद्रमोहन हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रमोहन, सियासी आंकड़े शक्ति प्रदर्शन के लिए, फ्लोर टेस्ट के लिए, बहुमत के लिए सामने आ चुके हैं, लेकिन इसी के साथ चुनौती भरा रास्ता है, कांटे भरा रास्ता है। आरजेडी भले ही आज मुरझाई हुई है, लेकिन इतना तय है कि वो अपने तेज को कायम रखने के लिए हर सियासी हथकंडे जनता के बीच जाकर अपनाएगी। इसलिए वर्तमान में आज भविष्य की तस्वीर हम बिहार की सियासत की जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, पहले वो सत्ता में हुआ करते थे, अब विपक्ष में हो गए, तो जनता के बीच जाएंगे और क्या कमियां रही हैं इसको भी बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या नीतीश कुमार को आगे कोई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है? हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू विधायक कौशलेंद्र जी, ये बताइए कि क्या नीतीश कुमार को किसी तरह के परेशानियों का आगे सामना भी करना पड़ सकता है? कोई परेशानी नहीं है, फुल मेजोरिटी में हम सब हैं। तेजस्वी यादव तो कह रहे थे कि हम जनता के बीच में जाएंगे, बताएंगे कि कितने बार आप आए और गए। तेजस्वी जी खुद ही बताएं कि उनके विधायक उनसे अलग क्यों हुए, आखिर कहीं ना कहीं उनके विधायकों की उनसे नाराजगी थी, इसलिए उनसे अलग होकर के इधर आ गए। तेजस्वी यादव से नाराजगी किस बात को लेकर हो सकती है उनके विधायकों की? अब उनके विधायक बताएंगे किस बात के लिए नाराजगी थी। और उसका फायदा आप लोगों को मिल गया, उधर से इधर लोग आ गए, विपक्ष से सत्ता पक्ष में आ गए। बिल्कुल बिल्कुल। आज सदन के अंदर में काफी गहमा गहमी रही, इंतजार काफी वक्त से हो रहा था। लेकिन तो ठीक ही कहा है ना कि ये तेजस्वी जो है ये अपने करे तो खेला होगा, अकेला हो गया। वो जो बोलते हैं ना उस पर हिसाब किताब नहीं रहता है कि उनके कंट्रोल में पूरा विधायक है कि नहीं है। खेला बोला बस वैसे बोल दिया, वो खेला करना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है। एनडीए का जितने भी विधायक है, चाहे भाजपा को ही हो, उसको हिलाने वाला है क्या? दूसरे खेल में फंस गए, वो अपने खेल में फंस गए, तो बोलते हैं बोलने पर सोचना चाहिए खेला वाला क्या होगा। तो जनता के बीच में तेजस्वी यादव जरूर जाएंगे, ये भी बताने की जरूर कोशिश करेंगे कि उन्होंने 17 सालों में जो किया उससे काफी फायदा पहुंचा है।